नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे पीएमसीएच के स्थापना को लेकर कि कैसे उसकी स्थापना हुई और आज जो है इसकी क्या स्थिति है। आज से ठीक 100 साल पहले तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की अपनी शाही यात्रा के दौरान पटना आए थे। उस समय बांकेपुर मैदान में आयोजित एक दरबार में उनका भव्य स्वागत किया गया था। आधुनिक प्रांत के वास्तुकारों में से एक सच्चिदानंद सिन्हा ने स्वागत भाषण दिया था और इसी समय पीएमसीएच की स्थापना की पटकथा लिखी गई थी। उस समय इंग्लैंड के राजकुमार एडवर्ड की 22 और 23 दिसंबर 1921 को पटना पहुंचे थे। यह बिहार की उनकी पहली यात्रा थी। उस समय बिहार और उड़ीसा के स्थापना के 10 साल हो चुके थे। उनकी राजधानी पटना थी। यात्रा के अनुसार राजकुमार ने नवंबर 1921 से मार्च 1922 तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। वे 17 नवंबर को मुंबई पहुंचे थे। 22 दिसंबर 1921 की सुबह नेपाल की तराई से प्रवास के बाद ट्रेन और फिर विशेष स्टीमर से पटना पहुंचे थे। पटना पहुंचने के बाद उस समय के तत्कालीन कार्यवाहक गवर्नर हेविडेंस ली मेसुचुरियन ने इनका स्वागत किया था। इस यात्रा को लेकर जो साक्ष्य सामने आए हैं उसकी माने तो राजकुमार सुबह पटना में कमिश्नर घाट पर उतरे थे और बाद में बांकीपुर मैदान, जो कि अब गांधी मैदान के नाम से जाना जाता है, में आयोजित स्वागत दरबार में पहुंचे थे। स्वागत भाषण उस समय के बिहार के वास्तुकार और जाने माने बैरिस्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने पढ़ा था। स्वागत भाषण के जवाब में अपनी बात को रखते हुए प्रिंस ऑफ वेल्स ने कहा था कि मुझे खुशी है कि मैंने पटना का दौरा किया। उनका प्रांत यानी कि प्रदेश भारत का सबसे नवीनतम प्रांत है। पटना और राजगीर प्राचीन ऐतिहासिक पुरानी सभ्यताओं और साम्राज्यों से जुड़ा हुआ है। इस भाषण के दौरान राजकुमार एडवर्ड ने कहा था कि लॉर्ड सत्येंद्र पी सिन्हा की तारीफ की थी। 1920 में बिहार और उड़ीसा प्रांत का गवर्नर उन्हें नियुक्त किया गया था। यानी कि लॉर्ड सत्येंद्र पी सिन्हा के बारे में जो है उन्होंने कहा था कि, यानी कि राजकुमार एडवर्ड ने कहा था कि वो जो है एक बेहतरीन जो है प्रशासक थे और उन्होंने जो है उनको जो है बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा को लेकर गठित कमेटी ने जो है प्रदेश में किसी संस्था की नींव रखने की बात कही थी, जिसमें पहला प्रस्ताव था कि पटना में एक मेडिकल कॉलेज की योजना और दूसरा जो प्रस्ताव था कि उसमें एक इंजीनियरिंग कॉलेज की जो है वो स्थापना की जाए। साथ साथ इस यात्रा के दौरान ये भी कहा गया कि जितने भी धन का इस्तेमाल होगा वो जो है इन्हीं कॉलेजों में खर्च किया जाएगा। इसके बाद बैंक ऑफ बंगाल की पटना शाखा में द प्रिंस ऑफ वेल्स विजिट फंड के नाम से एक खाता खोला गया और अंशदान आमंत्रित किया गया। प्रिंस की यात्रा के ठीक 4 साल के बाद बिहार और उड़ीसा के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई साल 1925 में और इसे प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाने लगा। आज़ादी के कुछ साल के बाद इसका नाम बदलकर पटना मेडिकल कॉलेज रख दिया गया। वर्तमान में भी इसका नाम पटना मेडिकल कॉलेज ही है और यह बिहार का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। अगर हम हालिया दिनों की बात करें, अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें, तो इस मेडिकल कॉलेज में जो है अभी वर्तमान में कहा जा रहा है कि, यानी कि बिहार सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि यहाँ जो है विश्व का सबसे बड़ा मेडिकल अस्पताल बनेगा और उसमें भी 5000 बेड होंगे। ऐसे में बिहार सरकार लगातार इसकी पुरानी जो बिल्डिंग है उसको तोड़कर नई बिल्डिंग यानी कि नए कंस्ट्रक्शन बनाने की बात कर रही है। ऐसे में अब यह देखना है कि यह हॉस्पिटल जो है विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कब बनता है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।